क्षेत्र के गांव ब्रह्मबाद रेलवे स्टेशन नीचा पक्का नहीं होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन में बैठने वाले व उतरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा डिवीजन के अंतर्गत आने वाला रेलवे स्टेशन ब्रह्मबाद को 70 साल गुजर जाने के बाद भी कोई सुविधाएं नहीं है। यह स्टेशन लगभग 70 साल से है। इस स्टेशन पर आगरा से ब्याना होते हुए कोटा नीमच के लिए व नीमच से आगरा के लिए कई सारी ट्रेनों का आवागमन होता है। सभी पैसेंजर ट्रेनें ब्रह्मबाद रेल स्टेशन पर रुकती है, मगर स्टेशन नीचा होने के साथ साथ पक्का नहीं है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है। ब्रह्मबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए सीट 3 सेट नहीं होने से यात्रियों को खड़े रहकर ही ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। वह 3 सेट नहीं होने के कारण गर्मियों में धूप में बैठकर व बरसात में पानी में भीगकर यात्री ट्रेन का इंतजार करते हैं, यात्रा करते हैं। और जो ट्रेन से सफर करके ब्रह्मबाद आने वाले यात्री भी अगर बारिश हो रही हो तो पानी में भीग जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर रात को किसी को ट्रेन में बैठकर सफर करना है तो स्टेशन पर अंधेरा रहता है, रोशनी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं को मजबूरन खुले में शौच करने जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर हर सुविधा होती है, मगर ब्रह्मबाद रेलवे स्टेशन पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होने से जनता परेशान रहती है। ब्रह्मबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से जाने वाले यात्री 2 दर्जन से अधिक गांवों से चलकर ट्रेन में यात्रा करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहां काफी भीड़ होती है। मगर स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं होने से स्टेशन जैसा कुछ भी नहीं लगता। ग्रामवासियों की ओर से कई बार आगरा DRM व GM के ब्रह्मबाद स्टेशन पर आने पर ज्ञापन प्रस्तुत कर स्टेशन को विस्तार व सुविधाओं की मांग की गई, मगर अधिकारियों की अनदेखी से लोग परेशान है। जनप्रतिनिधियों में विधायक व सांसद को कई बार स्टेशन के बारे में बताया गया और ज्ञापन भी दिए गए, मगर आश्वासन दिया जाता है 8 फुट में अभी वेटिंग रूम बनाने का काम चल रहा था, जिसको भी विभाग ने अधूरा छोड़कर काम बंद कर दिया। ब्रह्मबाद गांव में हर साल मार्च के महीने में शीतला माता का लक्खी मेला लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि कई राज्यों से लाखों की संख्या में यात्री दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें काफी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, मगर स्टेशन का आज तक विस्तार नहीं हुआ है। कहाँ पर नहीं है? यहाँ ना यार लाइन की बगल में। और चढ़ने के लिए भी? चले चढ़ गए भैया, परेशानी बड़े मुझे ना। क्या परेशानी आती है? यो आवे भैया नीचे है लाइन। नीचे लेने और शौचालय की सुविधा है यहाँ पर? यहाँ ना भैया कुछ भी सुविधा। रात में क्या सुविधा है यहाँ? रात में मुझे हम जान भैया कोई वहाँ आपको दिक्कत आती है? हाँ, स्टेशन है ये करीब 70 साल पुराना स्टेशन बना हुआ है, और यहाँ पर पहले तो यहाँ पे एक 3 सेट था, उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया, और आज तक कोई 3 सेट नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था है, कोई सीट नहीं है, दूसरे शौचालय भी नहीं है। स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन उसमें यहाँ कोई शौचालय नहीं है। ये स्टेशन आगरा डिवीजन का लास्ट स्टेशन है, इसके साथ में शौचालय व्यवहार किया जा रहा है, और यहाँ पर कई बार यहाँ अधिकारी आए, अधिकारियों ने आकर के आश्वासन दिए, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। कभी कभी तो दुर्घटना भी हो जाती है, लेडीज चढ़ाते हैं ट्रेन जल्दी थी गिर जाती है बनने, और ना यहाँ शौचालय की सुविधा है, कोई भी लेडीज पेशाब वगैरह करने जाती है तो ठीक था। यहाँ पर साफ सफाई की अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ नहीं।